दोस्तों हम सबके फोन में हमारे फेवरेट फोटोज, वीडियोस, फेवरेट गाने और म्यूजिक वीडियोस स्टोर होते हैं, लेकिन कई बार जगह की कमी होने के कारण हमको इन सबको डिलीट करना पड़ता है और तब हमें बहुत दुख होता है। दोस्तों इस दुख से बचने का तरीका गूगल ने हमको दिया हुआ है। इस तरीके का नाम है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव एक ऐप है जिस पर कि आप आपका कीमती डेटा स्टोर कर सकते हैं। जी हाँ, गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज है, यानी कि आपका डेटा गूगल के सर्वर्स में स्टोर रहता है और उसका कभी भी नुकसान नहीं होगा। वैसे तो आप अपने डेटा को मेमोरी कार्ड में या हार्ड ड्राइव में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये समय समय पर करप्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, या फिर हमको इन्हें फॉर्मेट करना पड़ जाता है। उस कंडीशन में आपके डेटा का लॉस हो जाता है। गूगल ड्राइव में रखा हुआ डेटा आपका कभी भी लॉस नहीं होगा, ये हमेशा बरकरार रहेगा जब तक कि आप उसे स्वयं डिलीट ना कर दें। एक जीमेल आईडी आपको 15 जीबी तक का स्टोरेज स्पेस देती है, और यदि आपको और स्टोरेज खरीदना हो तो आप गूगल को पैसे देकर और भी स्टोरेज खरीद सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है गूगल ड्राइव और क्या है इसे यूज करने का तरीका। चलते हैं स्क्रीन की ओर। गूगल ड्राइव आपके फोन में पहले से इंस्टॉल होता है और इसका आइकॉन इस तरीके का दिखाई देता है, और यदि आपके फोन में ना हो तो आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको ड्राइव लिखना होगा इस जगह पर, या गूगल ड्राइव, और फिर उसके बाद ऐसा आइकॉन बनकर आएगा, यहां पर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे में पहले से इंस्टॉल है इसलिए ओपन लिखा हुआ है। अब हम जाएंगे गूगल ड्राइव पर। देखिए दोस्तों, गूगल ड्राइव ओपन हो चुका है और यहां पर तीन लाइंस पे क्लिक करके आप यहां पे देख सकते हैं 12 MB यूज हुआ है मेरे 15 GB में से। इसमें मैंने कुछ डेटा यूज किया हुआ है इसलिए 12 MB का यूज हो चुका है और बाकी का रिमेनिंग है। दोस्तों अब हम प्लस बटन पर टच करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर हमको 6 कमांड दिखाई दे रहे हैं। पहला वाला है फोल्डर, सेकंड है अपलोड, और थर्ड है स्कैन। उसके बाद है गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स और गूगल स्लाइड्स। दोस्तों ये जो नीचे के तीन कमांड है, डॉक्स, शीट्स और स्लाइड्स वाले, ये जब ये तीनों ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल होंगी तब ये काम करेंगे। अभी हम बात करते हैं ऊपर वाले तीन कमांड्स की। देखिए अब हम अपलोड पर टच करेंगे। यहां पर ये हमारे रीसेंट फोटोज दिखा रहा है, ठीक है। हम ये तीन लाइंस पर टच करते हैं और गैलरी में जाते हैं। इसके बाद हम जाएंगे डाउनलोड्स फोल्डर में। डाउनलोड फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल रखी हुई है, इसमें मेरी दादी की फाइल है। मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। आप देखिए ये फाइल इसमें अपलोड हो रही है। देखिए दोस्तों, मेरी दादी की फाइल इस पर अपलोड हो चुकी है। यदि आप गैलरी में से जाके फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गैलरी में जाना होगा और गैलरी से जाके आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। ये आ गई गैलरी, इसमें हम जाएंगे फोल्डर के अंदर, सबसे नीचे आएंगे, और मेरे घर में ये पपीते लगे हुए थे, मैं इनकी फ़ोटो अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं इसे टच करूँगा और इस वाले ऑप्शन को दबा के फिर गूगल ड्राइव में जाके इसे मैं अपलोड कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट का टाइटल पूछ रहा है, यहाँ पर मेरा अकाउंट पूछ रहा है मुझे किस वाली आईडी में इसको अपलोड करना है। यहाँ से आप आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं यदि एक से ज़्यादा आईडी है, और यहाँ पर फोल्डर पूछ रहा है ओल्ड पिक्स, यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ये फाइल भी अपलोड हो रही है, ये देखिए फ्रेंड्स। दोस्तों यदि आप गूगल ड्राइव में कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्लस पर टच करना होगा, उसके बाद स्कैन पर। अब हम कैमरे को सिलेक्ट करते हैं। मैं इस बुक का एक पेज इसमें स्कैन करना चाहता हूँ। ये है वो पेज, इसकी हम फोटो खींचते हैं। ये आ गई फोटो, अब हम इसको कर देते हैं ओके। ये देखिए दोस्तों, ये फोटो इसमें आ गई है। हम चाहे तो इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। कलर चाहते हैं तो ये कलर में हो जाएगा, कलर ड्राइंग तो इस तरह का, ब्लैक एंड व्हाइट में इस तरह का, और नन कर देंगे तो जैसा था वैसा ही रहेगा। इसके बाद आप सेव पर टच कर दीजिए तो ये एक पीडीएफ फाइल बन गई है, और ये भी अब इस पर अपलोड हो रही है। अब हम जाते हैं होम पर। दोस्तों
यदि आपके गूगल ड्राइव में बहुत सारी फोटोज़ हो, मान लीजिए 400-500 फोटोज़ हैं, और उसमें से आप किसी पर्टिकुलर फाइल को स्टार करना चाहते हैं जो आपको ऊपर ही दिखाई दे, आप उस फाइल को स्टार भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ 3 डॉट पर टच करना होगा और उसके बाद ऐड टू स्टार पर टच करना होगा। देखिए ये फोटो अब स्टार्ट हो चुकी है, तो ये हमें इस वाली जगह पर दिखाई देगी जहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, गूगल ड्राइव में कोई भी फाइल अपलोड करने के पहले आप एक काम करिएगा, सबसे पहले यहाँ ऊपर अपर लेफ्ट कॉर्नर पर टच करिए, सेटिंग्स में जाइए और उसके बाद सबसे नीचे आइएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफ़र फाइल्स ओवर ओनली वाईफाई। तो दोस्तों इसको आप ऑफ रखिएगा, यदि आप इसे ऑन कर देंगे तो केवल जब आपके फ़ोन में वाईफाई की सुविधा उसको मिलेगी तभी वो फाइल्स को अपलोड करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, यदि मान लीजिए आप कोई लार्ज फाइल अपलोड करना चाहते हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा वाईफाई का डेटा है तो आप इसको ऑन कर लीजिए और आप वाईफाई के डेटा से उसको अपलोड करिएगा, और यदि नहीं हो, आप मोबाइल के ही डेटा से अपलोड करना चाहते हैं तो इसको ऑफ रखिएगा, ये आपको वार्निंग देगा, इसे आप कर दीजिए ओके। देखिए दोस्तों अब मैं आपको और फंक्शन बताता हूँ। जैसे हमने ये फाइल ओपन करी और ये फाइल हम किसी को शेयर करना चाहते हैं, उसके लिए हमें शेयर पर टच करना होगा। इस जगह पर हमें उस इंसान का नाम लिखना होगा या उस ग्रुप का नाम लिखना होगा जिसे आप शेयर करना चाहते हैं, उसका ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। यहां पर हम लिखेंगे, देखिए दोस्तों अब ये वाली फाइल इस ईमेल वाले को मैं शेयर कर सकता हूं। यहां पर एक चीज और है कि आप इस नीचे वाले ऑप्शन को टच करके ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका ये जो व्यूअर है, जो रिसिपिएंट है, इस फाइल को केवल व्यू करेगा, इस पे कमेंट करेगा या एडिट भी कर सकता है। तो आप तीनों ऑप्शन में से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम इसको मान लीजिए सिर्फ व्यूअर कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर कोई मैसेज लिख के इसे सेंड कर देते हैं। अब ये फाइल शेयर हो सकती है। दोस्तों यदि हम इस फाइल को स्टार्ट लिस्ट में से हटाना चाहें तो हमें यहाँ रिमूव फ्रॉम स्टार्ट पर टच करना होगा, तो ये इसमें से हट जाएगी। दोस्तों यदि हम इस फाइल को, आपका नेट ना चले और आप ऑफलाइन मोड पर हो तो अपने फ़ोन में देखना चाहे तो आपको उसके लिए यहाँ मेक अवेलेबल ऑफलाइन पर टच करना होगा। अब ये फाइल यदि आपके फ़ोन में नेट नहीं चल रहा होगा तो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों इस फाइल की यदि आप कॉपी बनाना चाहें तो आपको मेक अ कॉपी पर टच करना होगा और फिर ये आपसे लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए कहेगा। मान लीजिए हम ओल्ड पिक्स फोल्डर के बाहर इसको रखना चाहते हैं तो हमें सेलेक्ट कर देंगे, इस जगह पर बन जाएगी। ये देखिए दोस्तों यदि मैं इस फाइल की एक कॉपी किसी को सेंड करना चाहूं तो उसके लिए मुझे यहां सेंड अ कॉपी पर टच करना होगा। इसके बाद ये मुझे पूछ रहा है कि मैं इसको किस चीज के माध्यम से सेंड करना चाहता हूं, व्हाट्सएप के माध्यम से या और दूसरे ऑप्शन है उनके माध्यम से। दोस्तों इस फाइल को यदि मैं डाउनलोड करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ डाउनलोड पर टच करना होगा और ये मेरे फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों इस फाइल को मुझे यहाँ से कहीं और मूव करना हो तो उसके लिए मुझे मूव पर टच करना होगा। इसके बाद ये आपसे डेस्टिनेशन पूछता है कि आपको फाइल को किस जगह पर मूव कराना है। यदि आप कोई और फोल्डर बनाना चाहें तो आप वहाँ पर इसको मूव कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको इस फोल्डर में मूव कराना चाहते हैं जिसका नाम है न्यू फोल्डर, तो हम इसको यहाँ पर मूव करा देंगे। फाइल यहाँ से हट गई है और न्यू फोल्डर में चली गई है। दोस्तों यदि आप इस फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रीनेम पर टच करना होगा। यहाँ से हम इसका कोई और नाम रख सकते हैं, मान लीजिए हम इसका नाम पपाया रख देते हैं। दोस्तों यदि हम इस फाइल को प्रिंट करना चाहें तो उसके लिए हमें प्रिंट पर टच करना होगा और ये फाइल प्रिंट के लिए चली जाएगी। ये देखिए दोस्तों यदि हम इस फाइल को रिमूव करना चाहते हैं, अपने गूगल ड्राइव में से मिटाना चाहते हैं, तो हमें रिमूव पर टच करना होगा। यहां पर यह कह रहा है कि यह फाइल बिन में ट्रांसफर हो जाएगी और वहां पर 30 दिनों तक रहेगी और 30 दिन के बाद हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। दोस्तों यदि आपके फोन में एक से ज्यादा ईमेल आईडी है और आपको किसी और ईमेल आईडी की ड्राइव एक्सेस करनी हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर टच करना होगा और इस जगह पर आपके फ़ोन में मौजूद दूसरी ईमेल आईडी दिखाई देंगी, आप
उनकी ड्राइव को भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, उसके लिए आपको यहां से स्विच करना होगा। वापस चलते हैं हम पहली वाली जगह पर। दोस्तों, इस तरह से आपने गूगल ड्राइव का यूज देखा। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।